वीरवार को जहां सर्वाधिक 6 केस डेंगू से पॉजिटिव निकले थे, वहीं शुक्रवार को डेंगू का कहर उस समय देखने को मिला जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट अनुसार 9 लोगों की रिपोर्ट डेंगू से पॉजिटिव आई, जिसके चलते जिले में डेंगू के सीजन में कुल संख्या बढ़कर 228 के पार पहुंच चुकी है। इसके चलते जिले में एक्टिव केसों की गिनती 20 पहुंच गई, जिसमें 9 लोग अस्पताल में उपचाराधीन हैं और 11 लोग होम आइसोलेटेड हैं। वहीं दूसरी ओर 208 लोगों ने अभी तक डेंगू से रिकवर कर लिया है। इसी तरह विभाग की ओर से अब तक 39,354 घरों का सर्वे कर लिया गया है, जिसमें से 1,383 घरों में डेंगू का लार्वा मिल चुका है। इसी तरह शुक्रवार को 526 घरों का सर्वे किया गया और सर्वे टीम को जिस जगह डेंगू लार्वा मिला, स्प्रे टीम ने उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया और लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस समय रूरल व अर्बन एरिया में 54 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें 7 टीमों ने अर्बन व 47 टीमों ने रूरल क्षेत्र में टीमें सर्वे कर रही हैं। एक ओर जहां डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चिकनगुनिया के 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि की गई, जिसके चलते जिले में इस सीजन में अब तक 60 लोग चिकनगुनिया की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 2 लोग सिर्फ एक्टिव चल रहे हैं और 58 लोगों ने चिकनगुनिया से रिकवर कर लिया है। इसी तरह विभाग की ओर से अभी तक 156 लोगों के चिकनगुनिया सैंपल लिए जा चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल पठानकोट के डेंगू वार्ड में इस वे टोटल 28 पेशेंट एडमिटेड है, जिद चो डेंगू के कन्फर्म्ड है 15 पेशेंट है, सस्पेक्टेड जड़े 13 है। जिन्हें भी पेशेंट एडमिटेड है सारे ही खतरे तो बाहर है, इन्हों का इलाज जड़ा है बहुत सही ढंग सिविल हॉस्पिटल पठानकोट विखे चल रहा है। केसिस वधन हुण जिवें जिवें टैंपरेचर डाउन होएगा केसिस ने घटना है, तो देखते हैं अगले हफ्ते तक पता लग जाएगा कि केसिस वधते हैं कि घटते हैं। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सारिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।